उसी से मैं तेरी सना कर रहा हूँ और तेरी जात को मैंने जब से पहचाना। मौला तेरी कसम ऐसा किसी को ना माना, तेरा शुक्र ही बस अदा कर रहा हूँ। और ये तेरे हैं मौला गुनहगार बंदे, है रहमत तेरी के तलबगार बंदे। तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मौज़े सामईने कराम, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें देखने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे बाहर से आए मेहमान, आप सब की खिदमत में मेरा अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल इदारा सर आज़म की तरफ से, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे जो स्कूल के हैं, इन फूलों की तरफ से, इन कलियों की तरफ से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे दोस्त नज़ाकत अली शाद मौजूद हैं। नज़ाकत अली शाद जब स्टेज पर आएंगे, मैं आपको इनके बारे में मज़ीद बताऊँगा कि ये हमारे जो दोस्त, हमारे ये फूल, हमारा ये फ़ख्र, इनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। मैं अगर पहले बताऊंगा तो आपको शायद शुबा हो, लेकिन जब नज़ाकत यहाँ स्टेज पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो पहले जब आप लोग आजमा लेंगे नज़ाकत को, प्रैक्टिकली आप देख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नज़ाकत अली हमारे किस तरह इस कौम के लिए, इस हमारे बारकाओ के लिए, इस्लामाबाद के लिए फ़ख्र है नज़ाकत अली शाह। चूँकि आज की महफिल का ऐसा कोई इस नौयत की नहीं है कि मैं यहाँ तालियां बजाकर नज़ाकत अली शाद को अप्रिशिएट करूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन है कि जब नज़ाकत अली शाद यहाँ स्टेज पर आएंगे तो हमारी ये महफिल माशाल्लाह वाह वाह सुबहान अल्लाह की गूंज से इंशाअल्लाह मुनव्वर हो जाएगी। मौज़े सामईन, हमारी ये पुख्ता अजीम और कदीम रवायत है कि हमारी हर महफिल का आगाज़ रब कायनात के बाबरकत नाम से होता है, और उस रब की हम जितनी भी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करें वो कम है, बल्कि यूँ कहें कि हमारे बस में ही नहीं कि हम उस रब की, उस ज़ात की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान कर सकें। अगर तमाम जिन और इंस मिलकर भी मेरे मालिक की हमद व सना बयान करना शुरू करें, तमाम समुंदरों के पानी को रोशनाई बनाएं, तमाम दरख्तों से कलम बनाएं, ज़मीनों व आसमान के फासले से औराक बनाएं, तब भी जिन और इंस की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, समुंदर के पानी से बनाई हुई रोशनाई ख़त्म हो जाए, दरख्तों से बनाई हुई कलमें कम पड़ जाए, ज़मीनों आसमान के फासले से बनाए हुए औराक कम पड़ जाए, मगर मेरे मालिक की औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल न हो। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। क्योंकि मेरा रब तो वह है जिसने 7 दिन में इस कायनात की तखलीक फरमाई, जमीनों आसमान बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए, फिर अम्मा हवा को, पहले आदम को बनाया, फिर अम्मा हवा को बनाया, कायनात का निज़ाम चलाया। और मेरा अल्लाह तो वो है जिसने इब्राहिम को आग में महफूज रखा, यूनस को मछली के पेट में आफियत बख्शी, मूसा के लिए समुंदर के पानी को रोक दिया, और सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह तो वो है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और मोहम्मद अरबी को ऐसा बनाया कि मोहम्मद की उंगली के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। है कोले खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, है कोले खुदा अरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, छटेगी जुल्मत की शब और सूरज जगमगाएगा, और यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।
अब मैं मोहम्मद जवाद से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज करें क्लास 9 मोहम्मद जवाद तिलावत ए कलाम पाक के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأقمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله محمد مصطفیٰ آئے ہیں جہاں میں روشنی لے کر محمد مصطفیٰ آئے جہاں میں روشنی لے کر ہر ایک انسان کی خاطر شعور زندگی لے کر تھے ظلم و جبر کے طوفان جہاں میں عروج پر تھے ظلم و جبر کے طوفان جہاں میں عروج پر شہ کون و مکان آئے پیام آشتی لے کر رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے محبت کا ہے تقاضا محبوب خدا کہیے اب میں کلاس 9 سے ہی فیصل ستار سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے آج کی ہماری اس محفل کی رونق بڑھائیں کلاس 9 فیصل ستار صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بزم کو نین میں ہر طرف شور ہے بزم کو نین میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے عرش والے مبارک دینے لگے فرش والوں ابھی بے خدا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے
जज़ाकअल्लाह। बेटा आप लोगों की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा मुझे यहाँ पर, ज़रा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहिए और महफिल की रौनक को बढ़ा दीजिए बावाज़े बुलंद सुबहान अल्लाह। एक मरतबा फिर से और हमारे साथ यहाँ सुफियान तसद्दुक में मौजूद हैं, नात खान हैं, स्पेशल मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। सुफियान आपका बहुत शुक्रिया और नज़ाकत अली शाद हमें ज्वाइन किए हुए हैं और पूरी महफिल में इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। एक मरतबा फिर नज़ाकत अली शाद और सुफियान तसद्दुक आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।